नमस्कार, मैं नाम भोला कुमार सोनारे। जैसा आप लोगों को पता है, टाइम टू टाइम चॉकलेट, कॉफी, बेकरी, आइसक्रीम, जेलाटो, सॉफ्टी से रिलेटेड मशीनरी और इंग्रेडिएंट का रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अभी मैं आपके साथ में लेके आया हूं वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पैस्चराइजर, जिसके अंदर लो होमोजनाइजिंग का भी फीचर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ के अंदर उसके अंदर एजिंग का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मशीन के बारे में बताता हूँ कि ये बेसिकली मशीन कैसे काम करता है। तो ये टेबल टॉप सिंगल फेस मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्लग लगा हुआ है और प्लग स्विच ऑन करते ही डिस्प्ले पे ऑन हो जाता है। तो डिस्प्ले पे अभी ये कुछ 52 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मशीन चालू था तो पूरा इसका टैंक भी गर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको मिक्स की जगह पे पानी का यूटिलाइजेशन करके बताता हूँ। जब भी आप इसके अंदर पानी या मिक्स या पानी क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है, और मिक्स जो हम लोगों को बनाना है, आइसक्रीम मिक्स हो या जिलाटो मिक्स हो या सॉफ्टी मिक्स हो, उसके अंदर हम लोगों को बनाना है, तो मैं सोच के उसके हैंडल लॉक हो। पानी डालने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा चेंज, मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन भी बता रहा हूँ। ये बेसिकली होमोजनाइजिंग टूल है जो रोटेट होता है, और मिक्स के जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर ये जो होल्स है, शार्प होल्स है, इसके अंदर पास आउट होके उसके मॉलिक्यूल को यूनिफॉर्म शेप मिलता है। दूसरा, आप एक टैप देख रहे हैं, ये बेसिकली फ्रेश वाटर टैप है। तो इसका बटन यहाँ पे है, ये देखिए, जब इसको आप प्रेस करते हो तो सॉलिड ऑल ऑन हो जाता है और पानी यहाँ से आने लगता है। यहाँ से पानी तभी आएगा जब इसके पीछे आप पानी का कनेक्शन देंगे। यहाँ पे पीछे देखिए, तो यहाँ पे दो कनेक्शन है, अप एंड डाउन। ये वाटर इनलेट है और ये वाटर आउटलेट है। तो वाटर जो इनलेट है वही पानी वहाँ पे भी आएगा, साइमल्टेनियसली वो पानी का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, तो मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं है। वही पानी इनलेट के थ्रू आपका पूरे टैंक को सर्कुलेट किया गया है, तो उसको आपके मिक्स का टेम्परेचर डाउन करने के लिए भी वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आउटलेट है वहाँ से गर्म पानी निकलेगा, गर्म पानी को आप क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग ने मिक्स डाल दिया है, अभी इसके अंदर जो मिक्स का टेम्परेचर या पानी का जो टेम्परेचर 45 है, मैं एक काम करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ऑन किया है, फायर का सिम्बॉल है। फायर का सिम्बॉल इन द सेंस क्या हो रहा है कि मेरा हीटिंग प्रोसेस ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोटेट हो रहा है। ओके, तो ये मशीन का जो मिनिमम जो कैपेसिटी हो 3 किलो का और मैक्सिमम 5 किलो है। इसका वॉल्यूमेट्रिक जो इसके टैंक का कैपेसिटी हो 7 लीटर का है, तो 5 किलो तक हमको डालना है। 7 किलो डालेंगे तो फिर क्या होता है, वो ओवरफ्लो होने का चांसेस है। तो उतना ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग इसमें कोई भी मिक्स बनाते हैं, मिनिमम 3 किलो और मैक्सिमम 5 किलो तक का हम लोग मिक्स बना सकते हैं। इसके अंदर आपको टेक्निकली हीटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग होता है, साइमल्टेनियसली बीटिंग मिक्सिंग भी होता है। इसके जो स्पेशल टूल्स है, वो टूल से आपके मिक्स को होमोनाइज भी होता है, बट एट एक्चुअल जो रियल होमोनाइजर उतना आपको इफेक्ट नहीं होता, बट जो आइसक्रीम में जितना जरूरत उतना हो जाता है, तो हम लोग इसे लो होमोनाइजिंग बोलते हैं। साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर इनबिल्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है, बट चिलिंग का प्रोविजन है। जैसा कि आपको मैंने पीछे दिखाया कि वो जो पाइप है, पाइप में आप चिल्ड वाटर लाइन जब ज्वाइन करते हो तो आपका चिलिंग का भी प्रोसेस हो जाता है। मैं आप बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्प्ले एकदम सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे ये डाउन एरो है और ये अप एरो। अब मैंने एक डाउन एरो जब आप दबा, PRG प्रोग्राम होता है, उसके बाद अप डालो तो अभी 85 पे सेट है। तो मैं इस पे आप प्लस माइनस आप कर सकते हो, आप इसे सेट टेम्परेचर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैं इसको 60 पे सेट कर लेता हूँ, तो जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तब तो आपका मिक्स, आपका हीटिंग जो बंद हो जाता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड आपके मिक्स का टेम्परेचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सिंपल है, आपको एक रोटरी नॉर्मल जो फैन रेगुलेटर होता है, वैसा एक रोटरी स्विच है, स्टॉप है, हीटिंग है, स्टॉप है, अगेन एक क्लीनिंग मोड है। क्लीनिंग और हीटिंग में एक ही डिफरेंट है कि हीटिंग में हीटिंग एलिमेंट ऑन होने की वजह से आपका मिक्स गर्म हो जाता है, और क्लीनिंग में हीटिंग एलिमेंट ऑन नहीं होता है। तो विदाउट हीटिंग आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। वाटर डिस्पेंस करने के लिए यहाँ पे टैप दिया हुआ है, ये बेसिकली उसका हैंडल है। तो इसे आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऑफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो ये ऑन हो जाता है।
जैसे ही टेम्परेचर आता है हम लोग वो करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे क्लीन करना है, बेसिक इसका ऑपरेशन मैंने बताया है, इसका हैंडलिंग बताया है, ठीक है। इतने जितना मैंने बताया उसमें आप लोगों को कोई क्वेरी है क्या? ये जो हीट का सिंबल है जी, इसका यूज केवल सर्कल में करते हैं, जैसे वाटर डालें तो उसमें नहीं कर सकते? नहीं, आप वाटर में, अभी हम लोगों ने वाटर ही डाला ना, आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड डालते हैं, आप विजुअलाइज कीजिए लिक्विड भी नहीं डाला तो भी आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, उसका चैम्बर हीट हो जाएगा, ये चैम्बर हीट हो जाएगा। तो समझो आपको कोई भी चीज़ आपको हीट करना है, चाहे भी समझो आपको तेल भी अगर गर्म करना है तो हो सकता है इसके अंदर। मिनिमम टेम्परेचर कितना? मिनिमम आपका 10 है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैक्सिमम आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप प्ले कर सकते हैं। तो 10 इंच है तो लो टेम्परेचर हो गया। ओके, तो इसके अंदर इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन चिल्ड वाटर लाइन अगर आप सप्लाई देते हो तो आपका समझो कोई 20 डिग्री का है और उसको आप डाउन करना है तो आपको डाउन भी आ जाएगा, लेकिन वो थ्रू आउट चिल्ड वाटर लाइन से होगा। चिल्ड वाटर लाइन का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका आएगा उसका टेम्परेचर। जैसा भी मूवमेंट में है जिसको प्रेस करेंगे तो? हाँ, मैंने जैसा आपको बताया ये बेसिकली वाटर इनलेट का नॉब है, प्रेस टैप है। जैसे अभी हमने पीछे कनेक्शन नहीं दिया पानी का, राइट? अगर मान लो कनेक्शन दिया होता तो मैं यहाँ से दबाता तो मैं आपको थोड़ा बंद करके बताता हूँ। तो ये जो दिखा है नॉब, इसके नीचे आप हाथ डालिए, यहाँ पे एक होल होगा, हाथ डाल के देखिए, उंगली लगा के देखिए, है ना, वहाँ से पानी आने लगेगा, तो ये उसका नॉब है। तो अभी पीछे हमने वाटर कनेक्शन ही नहीं दिया तो ये नॉब का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि अभी 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेट किया था, तो 60 पे आते ही उसका हीटिंग एलिमेंट बंद हो जाता है, तो एक कट ऑफ कटिंग होता है, ठीक है। अभी ये 62 दे रहा, मतलब इसका अंदाज में मान के चलता हूँ हीटिंग एलिमेंट बंद हो चुका है, और आपको लगता है कुछ नहीं। चलो इसको हम लोग किस प्रकार से डिस्पेंस करते हैं वो देखते हैं। जब भी आपको डिस्पेंस करना है, जैसे आपका रीचिंग टेम्परेचर आ गया है, ठीक है, रीचिंग टेम्परेचर आने के बाद आपको पता चल रहा है यहाँ पे कोई अलार्म सिस्टम नहीं, तो थोड़ा आपको मैनुअली ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। आपने इसको बंद किया और आपको आपका मिक्स निकालना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग एक हाथ से भी पकड़ सकते हैं, कुछ टेबल वगैरह रहे तो उस पर क्या है कि वो रख के भी आपको निकाल सकते हैं। दो अटैचमेंट भी है हमारे पास, मैं आपको अटैचमेंट भी बाद में बता देता हूँ, या फिर आप लेके आएंगे अटैचमेंट लेके आएंगे उसमें से। तो इस प्रकार जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये इसके टैप ओपन होता है, आप देख रहे हैं, पूरा भी कर सकता हूँ मैं और इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अभी जैसे कि ये अटैचमेंट है, बेसिकली क्या होता है, कुछ एक डिज़ाइन के मशीन होते हैं जैसे आप देख रहे हैं, या ऐसे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, छोटे अटैचमेंट भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी कंपनी का कुछ एक बैच फ्रीजर है, बैच फ्रीजर के ऊपर मशीन रख देते हैं, तो सीधा आपके बैच फ्रीजर में मिक्स जाना चाहिए, उसके लिए अटैचमेंट होते हैं। देखें एक बार ध्यान में रखिए, ये मशीन के अंदर हीटिंग का काम होता है तो चीज़ें गर्म रहती है, तो जब भी आप इसके साथ काम करेंगे तो उतना आपको ध्यान में रहना चाहिए कि चीज़ें गर्म हैं, आपके हाथ और जल सकते हैं, झटका लग सकता है, उतना आपको ध्यान देना। अभी इसमें से निकल चुके हैं, राइट, उसको आप ये निकल भी सकते हैं, एकदम ईजी टू फिक्स करना है, उसको लगा भी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा पानी निकल चुका है, तो आप समझिए पानी की जगह अगर आप मिक्स है तो भी आपका पूरा मिक्स निकल चुका है। क्लीनिंग में क्या करना है आपको, क्लीनिंग में जो मशीन को डिसमेंटल करना है, एकदम सिंपल चीज़ है, ये आपका ढक्कन है उसको आप क्लीन कर सकते हैं, सिलेंडर के अंदर कुछ और नहीं, और बस ये चीज़ निकालना है, एकदम इजी है। इसको आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक खाचा है, यहाँ पे देखिए एक स्लॉट है ना, तो ये स्लॉट आपके अंदर भी एक स्लॉट है, आप देख सकते हैं इसके अंदर है ना, दिख रहा है ना, तो ये जब आप ये डालते हो अंदर, आप देखिए ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, लेकिन मैं जब इसको एडजस्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर स्लॉट में बैठ गया है, तो उतना आपको ध्यान रखना है। तो ये टाइम में दो चीज़ें, जब आप इसको भी क्लीन करना तो एकदम आसान है,
इसको आपने अनलॉक किया है, ओपन किया और यहाँ पे एक छोटा सा नॉब है, उसको आपको प्रेस करना है, प्रेस करके खींचना है बाहर। आप खींच लेते हैं, आपका यह निकल चुका है। ठीक है, इसके ज्यादा आपको ज्यादा कोई असेंबली खोलने की जरूरत नहीं है। ये आप दो ओरिंग आप खोल सकते हैं, ओरिंग टूल्स है ना हमारे पास, ओरिंग टूल से आप ये निकाल सकते हैं दीपक जी, और ये भी आप ओरिंग टूल से निकाल सकते हैं। ओरिंग टूल्स होगा लेके आइए ना वहां से। हाँ जी, ये देखिए ओरिंग टूल्स है, ओरिंग टूल में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे खाचा भी है, हल्का सा स्लॉट है, स्लॉट में आपको इसमें आप डाले इस प्रकार से, ओरिंग टूल से आप मदद से निकाल देना। कभी कभी क्या होता है कि ओरिंग टूल नहीं होता तो हम लोग किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जैसे नाइफ हो गया, नेल हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। देखिए वो अवॉइड करना है हमें, उसको यूज नहीं करना है क्योंकि उसके शार्पनेस की वजह से ओरिंग कटने का चांसेस है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ये ओरिंग टूल भी ये पॉइंटेड है लेकिन ये शार्प नहीं है, तो इससे नहीं कटता है। ठीक है, तो ये हमेशा संभाल के रखना है। उसके बाद ये निकलने के बाद आपको क्लीन करने के बाद, जब भी आपका पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, क्लीनिंग का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, लुब्रिकेशन दे दीजिए ना। क्लीनिंग का प्रोसेस कैसा है कि एकदम सिंपल सी बात है, मशीन को आपने एम्प्टी कर लिया, एम्प्टी करने के बाद आपने उसको क्या किया है, प्लेन वाटर डाल के उसको वापस से प्रेशराइज करके पूरी तरह से धो लिया। धोने के बाद जो डिसअसेंबल करना है, डिसअसेंबल में आपका ये कवर को आपने अच्छी तरह से धो लिया, लॉक मोडनाइजिंग जो टूल है उसको धो लिया, टैप को निकाल लिया, ओरिंग को निकाल लिया। जब आप इसको पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद मेक श्योर ये एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। जब आप ड्राई होते हैं, जब आपका ये सारा पार्ट ड्राई होता है, तब आपको ये लुब्रिकेशन जेल, लुब्रिफेन जो बेसिकली मशीन के साथ में ही आती है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। एकदम थोड़ा सा लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे लुब्रिकेशन कम सैनिटाइजर दोनों ही काम करता है। तो आपको जो भी मूविंग पार्ट है, जो भी मूविंग पार्ट है उस पर आपको अप्लाई करना है, या ओरिंग पार्ट है, जो रबर पार्ट है मूविंग पार्ट सब पे अप्लाई करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, अभी यहाँ पे ये ओरिंग पे आप ये ओरिंग पे थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा ये भी मूविंग पार्ट है ना, ये इसमें थोड़ा डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर आप ये जो है ये भी आपका मूविंग पार्ट है तो इसके अंदर थोड़ा सा आप लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मूव करता ना, मूवमेंट है वहाँ पे, थोड़ा इस पर लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली लुब्रिकेशन जेल लगाने के जो बेनिफिट्स हैं उसे ये है कि एक तो जो मोशन है वो एकदम स्मूथली हो जाता है, कभी कुछ आपको डिसमेंटल या असेंबल करने में दिक्कत नहीं आती है। साइमल्टेनियसली इट्स सैनिटाइजेशन का भी काम करता है, तो माइक्रो जर्म्स वगैरह जो है वो डेवलप नहीं होते। तो इट इज़ नॉट अ ऑर्डनरी पेट्रोलियम जेली, इट्स अ प्रॉपर फूड ग्रेड लुब्रिकेशन जेली, क्योंकि अल्टीमेटली आपके मिक्स में मिक्स होकर हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, तो इट इज़ अ फूड ग्रेड जिसका कोई मतलब नुकसान नहीं है, एडिबल है, आप लिप से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो क्लीनिंग में इसमें बस इतना ही है, डिसअसेंबल करना है, उसको प्रॉपर क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद लुब्रिकेशन अप्लाई करना है, लुब्रिकेशन अप्लाई करने के बाद वापस उसको असेंबल करना है, असेंबल करने के मशीन इज रेडी फॉर नेक्स्ट यूज। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे, जिस दिन जब आपका दिन खत्म हो रहा, मेरा काम खत्म होना है, आधा घंटा बाकी है, मेरा ड्यूटी खत्म, आधा घंटा पहले इसको क्लीन करो, क्लीन करने के बाद ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद लुब्रिकेशन लगा के वापस उसको असेंबल करके रख देना, मतलब मैं जब नेक्स्ट डे आऊँ तो मेरा मशीन रेडी होना चाहिए, रेडी पोजीशन में, जस्ट स्विच ऑन किया, मेक डाला, वर्क स्टार्ट। ये आपको निकलने से पहले तैयारी करना, ताकि अगले दिन मैं आऊँ तो शुड बी ना रेडी पोजीशन, रेडी पोजीशन में चाहिए मशीन अगले दिन के लिए, वो चीज़ का अपने ध्यान। अच्छा, क्लीनिंग से लेके आपको कुछ कोई चीज़ कोई डाउट्स है दीपक जी? नहीं, कोई भी डाउट है सर? क्लीनिंग कैसे क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है? प्रिकॉशन में आपको एक ही चीज लेना है कि चीजें गर्म है, थोड़ा संभाल के अलर्ट के साथ करें। एनीवे, तो ये था ये मिक्स 7 मशीन जो आइस्टीम 90-10-27 कैटाब्रिगा द्वारा निर्मित है, 100% इटालियन प्रोडक्ट।
ये बेसिकली पैस्चराइजर है, टेबल टॉप सिंगल फेस रिक्वायरमेंट है, जिसका मिनिमम कैपेसिटी 3 किलो और मैक्सिमम 5 किलो तक बना सकते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है आपका मिक्स पैस्चराइज करने के लिए। साइमेंटेनियसली इसके अंदर लो होमोजेनाइज भी हो जाता है, एजिंग का प्रोविजन दिया चिल वाटर लाइन के लिए। सो इट इज, मैं समझता हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैस्चराइजर स्मॉल स्केल पे। अगर किसी को आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट करना तो इसके लिए बेस्ट मशीन है। आपको और भी कोई इंक्वायरी है पैस्चराइजर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9967149769। थैंक यू वेरी मच।